बिल्कुल संभव ही नहीं है, जो बिल्कुल असंभव है, यानी जिसे किया ही नहीं जा सकता। लोग ऐसे चीज को पसंद करते हैं देखना जो चीज संभव नहीं है। जो चीज हमसे नहीं होता है हम उसी चीज को ही देखना पसंद करते हैं। जो चीज अच्छा दिखता है वही तो बिकता है, उसके अंदर क्या हो ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का यही दस्तूर है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आपने वो सारी चीजें की जो बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं, अच्छे से टाइटल टैग्स थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाने के बाद भी अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको दो तरीका बताऊंगा जिससे आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे। सो गाइज, पहले हम अपनी वीडियो को एनालिसिस करेंगे कि हमारी वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर हम उस वीडियो की सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि किस तरह से हम अपने वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। सो गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने एक वीडियो की एनालिटिक्स ओपन की हुई है। यहाँ पर हम अगर रीच वाले ऑप्शन पे जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इम्प्रेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इम्प्रेशन वो होता है कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो की थंबनेल को कितने लोगों तक दिखाया है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो इम्प्रेशन, जब हम इस वीडियो की इम्प्रेशन देखें तो यहाँ पर हमें इम्प्रेशन दिख रहा है 388, और जब हम इस वीडियो की व्यूज पर जाएं, व्यूज देखें तो सिर्फ 19। ऐसा क्यों? जब हमारी वीडियो को यूट्यूब ने 388 लोगों को दिखाया है और तो हमारी वीडियो पर व्यूज भी 388 होनी चाहिए थी, लेकिन व्यूज हमारी सिर्फ 19 क्यों है? सो गाइस, आप यहां पर एक दूसरा चैनल देखिए जिनके वीडियो पर लाखों व्यूज है, मिलियन ऑफ व्यूज है, तो ऐसा क्यों है? इनके वीडियोस की टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो इतना भी खास नहीं है, तो फिर इनके वीडियो पर व्यूज क्यों है? सो गाइस, जब इनके वीडियोस पर लाखों मिलियन व्यूज आ सकते हैं तो हमारी वीडियो पर क्यों नहीं? सो गाइस, वीडियो पर व्यूज तो तभी आते हैं ना जब लोग क्लिक करते हैं आपके वीडियो पर। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जो चीज अच्छा दिखता है वही तो बिकता है, उसके अंदर क्या हो ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का यही दस्तूर है। तो आपका वीडियो के थंबनेल कुछ अच्छा होगा तभी तो लोग आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे, तभी तो आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे। व्यूज आता कैसे है? सो गाइस, व्यूज आप जानिए, व्यूज आता कैसे है? जब लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं तभी तो व्यूज आता है ना। तो आपकी वीडियो पर लोग क्लिक नहीं करेंगे तो व्यूज कैसे आएगा? जब YouTube ने हमारी वीडियो को 388 लोगों को दिखाया है तो जाहिर सी बात है 388 लोगों ने क्लिक किया होता तो हमारी वीडियो पर व्यूज भी 388 होता। लेकिन वीडियो पर हमारी सिर्फ 19 लोगों ने क्लिक किया है क्योंकि उन्हें थंबनेल पसंद ही नहीं है। तो गाइस, हमारी वीडियो पर व्यूज इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारा वीडियो का जो थंबनेल है वो सिंपल सा थंबनेल है, क्योंकि वो इस चैनल पर जो आपने थंबनेल देखा है, इस चैनल की थंबनेल जो है, थंबनेल पे आप देखिए यहाँ किस तरह से थंबनेल को क्रिएट किया है। आप इनके वीडियो पर जाएंगे तो देखेंगे इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके वीडियो पर व्यूज है क्योंकि इन्होंने थंबनेल में वो चीज दिखाया है जो बिल्कुल संभव ही नहीं है, जो बिल्कुल असंभव है, यानी जिसे किया ही नहीं जा सकता। लोग ऐसे चीज को पसंद करते हैं देखना जो चीज संभव नहीं है। जो चीज हमसे नहीं होता है हम उसी चीज को ही देखना पसंद करते हैं। तो इनके थंबनेल पे वो चीज है जो हमारी थंबनेल पे नहीं है। हमने जो थंबनेल क्रिएट किया है उस थंबनेल पे कोई ऐसा ही चीज नहीं है जो लोगों को असंभव लगे। सो गाइस, जब आप देखेंगे लोग YouTube पर वीडियो सर्च करते हैं तो या ब्राउज फीचर में आते हैं, अपने होम पेज पर स्क्रॉल करते हैं तो वहां जब भी वीडियो को स्क्रॉल किया जाता है तो कुछ मिली सेकेंड का समय होता है एक वीडियो से दूसरी वीडियो को स्क्रॉल करने का। तो उसी मिली सेकेंड के अंदर जिनका भी थंबनेल, वीडियो का थंबनेल अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, लोग उसी वीडियो पर तुरंत क्लिक कर देते हैं, इसीलिए उनके वीडियो पर व्यूज आ जाते हैं। तो आपका वीडियो के थंबनेल कुछ अच्छा होगा अभी तो लोग आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे, तभी तो आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे। हो सकता है कि हमारी वीडियो के कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन जो थंबनेल हमने दिखाया है, जो थंबनेल हमने लगाया है, उस थंबनेल में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लोग हमारी वीडियो पर क्लिक करें,
तभी तो हमारी वीडियो पर व्यूज आएंगे। इसीलिए क्लिक नहीं किया है तो हमें अपने वीडियो पर व्यूज लाने के लिए थंबनेल को बनाना है। आज के समय पे सबसे ज्यादा मैटर करता है वीडियो पर व्यूज लाने का, वो है वीडियो की थंबनेल। आपकी थंबनेल जितनी अच्छी होगी, जितनी यूनिक होगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, लोग आपके वीडियो पर उतना ही तुरंत क्लिक करेंगे। जब आपके वीडियो को थंबनेल को देख के लोग तुरंत क्लिक करेंगे तो यूट्यूब समझेगा नहीं इस वीडियो में कुछ है, इसीलिए लोग इतने ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। तभी आपके वीडियो को यूट्यूब क्या करेगा, और ज्यादा वायरल करेगा, और ज्यादा इंप्रेशन देगा। जब आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए ऑडियंस क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब क्या समझेगा कि आपके कंटेंट जो है वो बेकार है, इसीलिए धीरे धीरे वो इंप्रेशन देना बंद कर देगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने वीडियो को वीडियो के थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना। चाहे आप किसी भी तरह से थंबनेल क्रिएट करें, आपको बस अपना थोड़ा क्लिकबेट कर भी अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है। सो गाइस, अब है दूसरा पॉइंट कि आपके वीडियो की 30 सेकंड को इतना अट्रैक्टिव बनाना होगा, इतना पावरफुल बनाना होगा, चाहे वो एडिटिंग स्किल से हो या चाहे आप किसी भी तरह से हो, इतना सस्पेंशन क्रिएट कीजिए वीडियो के 30 सेकंड, शुरुआत की 30 सेकंड को, कि एटलीस्ट आपके व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक करने के बाद 30 सेकंड लगभग देखकर ही आपके वीडियो को स्किप करें। तो आपको अपने वीडियो की शुरुआत की 30 सेकंड्स इतना ज़्यादा सस्पेंशन क्रिएट करना है, इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाना है, लोगों के मन में सस्पेंशन के एक मात्रा को प्रयोग इस तरह से करना है कि लोग आपकी वीडियो को छोड़कर ही ना जाए, देखकर ही जाए। तो आपको अपने वीडियो के 30 सेकंड्स को बिल्कुल इस तरह से बनाना है कि आपके वीडियो पर व्यूअर्स आने के बाद आपके वीडियो की शुरुआत की 30 सेकंड देखे बिना ही ना जाए। तो ऐसा ही बनाना, चाहे वो आप एडिटिंग स्किल से दिखाए या कुछ ऐसा लिख कर रख लीजिए जिससे आपको पहले ही बोलने में कोई आसानी हो, किसी भी तरह की सस्पेंशन आप क्रिएट कर ले जिससे आपकी व्यूअर्स आपकी वीडियो को एटलीस्ट 30 सेकंड वॉच करे, तब यूट्यूब ये समझेगा। क्योंकि आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर देखिए, यूट्यूब ने ये बताया है कि मेरे वीडियोस पे 30 सेकंड को देखने वाले कितने व्यूअर्स है। तो आपको अपने वीडियो की शुरुआत की 30 सेकंड्स इतना ज़्यादा सस्पेंशन क्रिएट करना है, इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि लोग आपकी वीडियो को छोड़कर ही ना जाए, देखकर ही जाए। तभी आपके वीडियो को YouTube वायरल करेगा, और ज़्यादा इंप्रेशन देगा, आपके वीडियो और ज़्यादा वायरल होंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।